जय हिंद एवरीवन, आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर आसमा चौधरी ऑफ 5 जेएनके एनसीसी बटालियन पंच। इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू वेयर एनसीसी यूनिफॉर्म फॉर द बिगिनर कैडेट। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेक, और याद रखना इसको प्रेस कर लेना यूनिफॉर्म डालने से पहले अच्छे से, ये वाली चीज़, वरना आपको सेट नहीं बैठेगा। बिगिनर कैडेट्स के लिए कंपलसरी नहीं कि आप नेक पहनो, आप बिना नेक के भी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स योर चॉइस। इसको बेल्ट बोलते हैं। दिस इज़ लेनियार्ड, जिसको साइड में लगाते हैं। दिस इज़ बेरे, और ये बेरे बैच और हकल लगा है, और ये हकल और बेरे बैच भी है, जिसको पहले फिट कर लें आप अच्छे से। आप देख सकते हो अंदर से भी, इसके अंदर एक ऑलरेडी पिन दिया होता है, इसके साथ इसको फिट करना है, उसके बाद इसको ये करना है ताकि आपको लगे ना, देन ये बैरे आपकी फिट हो जाएगी। ओके, देन कम्स हमारे एनसीसी के शोल्डर टाइटल, नेम प्लेट। नेम प्लेट और शोल्डर टाइटल, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपको पहननी है। और ये आता है बैच, अगर आपने कोई कैंप अटेंड किया है तो आप बैच पहन सकते हो, ATC, CATC या कोई भी नेशनल कैंप, अदरवाइज नहीं पहन सकते। एंड ये हैं जुड़ा पिन, और ये है जुड़ा नेट, ये गर्ल्स के लिए कंपलसरी है। जब भी आप अपने बाल बनाएं, जुड़ा नेट हमेशा कंपलसरी है पहने, और ये पिंस लगा कर। सबसे पहले बाल बना लेते। अब नेक है, नेक पहननी है तो जो रेड कलर है उसको सेंटर में रखें बिल्कुल। हम आर्मी कैडेट्स हैं तो हम रेड कलर को सेंटर में रखेंगे। अपनी शर्ट के बटन के बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर होना चाहिए, गर्दन के सेंटर में। अब नेक को आप अंदर एक सेफ्टी पिन लगा सकते हो अंडर शर्ट के साथ, उससे आपकी नेक इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगी, अच्छे से सेटल हो जाएगी। नेक को अच्छे से सेट करें अंदर, और पीछे भी अच्छे से सेट होनी चाहिए आपकी नेक। देन ये लेनियार्ड है, लेनियार्ड को आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग नॉट मार सकते हो नीचे, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेनियार्ड इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं करेगी। याद रखना, लेनियार्ड सेट करने से पहले हमेशा, जब भी लेनियार्ड सेट करें तो अच्छे प्रॉपर वे में सेट करें, ताकि उसका पॉकेट के साथ वाला पार्ट नहीं दिखाई देना चाहिए यूनिफॉर्म में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने अपने यूनिफॉर्म में करी है, हमेशा ऐसे ही करें। अब नेम प्लेट है, नेम प्लेट भी अच्छे से पहने। पॉकेट के जो लास्ट क्रीज होती है उसके नीचे नहीं आनी चाहिए आपकी नेम प्लेट। और बैजेस, अगर आपने कोई नेशनल कैंप या कोई भी ATC CATC अटेंड किया तो आप पहन सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, बिना बैज के आप यूनिफॉर्म पहन लो। अब है शोल्डर टाइटल। याद रखें, शोल्डर टाइटल को पहनने से पहले 4 फिंगर्स रख के अपने बाजू पे डिस्टेंस नाप लें, उसके बाद शोल्डर टाइटल लगाएं। आप यूनिफॉर्म पहनने से पहले भी शोल्डर टाइटल अपने बाजू पे सेट कर सकते हो 4 फिंगर्स नाप कर, ताकि आपकी शोल्डर टाइटल बिल्कुल इधर उधर ना हो और अच्छी यूनिफॉर्म प्रॉपर वे में सेट हो। और पैंट शर्ट पहले पहन लें, उसके बाद याद रखें 2 फिंगर्स अंदर डाल के उसको साइड लाना है शर्ट को। इसमें कोई भी शर्ट की इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन सेट बैठनी चाहिए आपकी यूनिफॉर्म पे, बैक से भी और फ्रंट से भी अच्छे से सेट होनी चाहिए यूनिफॉर्म आपकी, कोई भी क्रीज नहीं पड़नी चाहिए बीच में, एकदम प्लेन मस्त में शर्ट हो। अब बेल्ट है, बेल्ट को हमेशा टाइट करें, और ज़्यादा टाइट रखें बेल्ट को। अगर आपकी बेल्ट टाइट नहीं होगी तो आपकी ड्रिल भी अच्छी नहीं होगी, प्लस आप यूनिफॉर्म में बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे, सूट नहीं करते यूनिफॉर्म। अच्छे से प्रॉपर वे में अपनी बेल्ट टाइट करें और उसको फिर पहने, और प्रॉपर वे में पहन के आप बहुत अच्छे लगते, स्मार्ट कैडेट लगते हो सभी। तो याद रखें, हमेशा अपनी बेल्ट टाइट रखें। बैरे पहनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईब्रो में और बैरे के बीच में 2 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए लेफ्ट साइड में। और नेचुरल वे जो है विदाउट मिरर सेट करने का, बैरे अपने लेफ्ट हैंड से एल बना ले, और जो थंब में कट होता है सेंटर में, उस कट को अपने नाक के आगे रखे। जो फिंगर है हमारी पॉइंटर फिंगर, वो आपकी बैच के ऊपर लगनी चाहिए। अगर वो बैच के बिल्कुल सेंटर में लग रहे तो इट मीन्स आपकी बैरे बिल्कुल सेट है। गर्ल्स कैडेट आप एक साइड पिन लगा सकते हो बैरे को सेट करने के लिए। दिस इज द फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ लाइक इट डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेक केयर।